हेलो गाइस, साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस नए वीडियो एप्लीकेशन में फ़ोटो का वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बिल्कुल चला के दिखाया, आप इस तरीके का फ़ोटो का वीडियो कैसे बना सकते हो अपने इस नए वीडियो एप्लीकेशन में। दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो पूरे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो एप्लीकेशन पर आपको फ़ोटो का वीडियो बनाने के लिए अपना इस नए वीडियो को ओपन कर लेना है। इसे ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, अब आपके सामने ये स्नैक वीडियो ओपन हमारा हो चुका है। फ्रेंड्स, आपसे सबसे पहले बता दूं, अगर आपने इस एप्लीकेशन पे अपनी आईडी नहीं बनाई है तो आपको अपनी आईडी ज़रूर बनानी है, फिर उसके बाद ही आप अपनी वीडियो को बना पाओगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे बनानी है फ़ोटो का वीडियो। अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे एक प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आपका ये फ्रंट कैमरा यहाँ पर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ पर दोस्तों, MB वाला, जिस पर आपको दिख दे रहा है नीचे MB, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मेकर बने हुए आ जाएंगे, जिसमें आप अपना फ़ोटो का वीडियो बना सकते हो। जैसे आप टिकटॉक में और लाइकी में और वगैरह दोस्तों, उसमें आप बनाते थे फ़ोटो का वीडियो, तो इसमें आपको शॉर्ट वीडियो कह लो चाहे आप, जिसमें आप बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो बनाने के लिए किसी भी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूज़ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यूज़ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपकी गैलरी खुल जाएगी। अब जिस फोटो का आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक लिमिट मिल जाती है, आप इस वाले मेकर में कितने फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे तरफ पर, यहाँ पर हम एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक फ़ोटो वाला सिलेक्ट करने वाला मेकर चुना है, आप चाहो तो उसमें अपने 5 या 6 फ़ोटो को भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ पर अपना कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए, तो यहाँ पर हमें फिर इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब ऊपर की तरफ आपको म्यूज़िक का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो अपनी तरफ से इसमें म्यूज़िक भी कोई ऐड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर जो आपके मोबाइल के अंदर पड़े हैं आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से अपने सर्च भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप म्यूज़िक भी यहाँ पर अपनी मनपसंद लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहो तो इस वीडियो के बारे में कुछ लिख भी सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, केवल आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी सेटिंग का, अब यहाँ पे इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको प्राइवेट और पब्लिक वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको सोशल मीडिया वाले ऐप भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे इसे शेयर भी कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो बनाने के लिए सिंपली इस शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी ये प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है और आपकी वीडियो बननी शुरू हो चुकी है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ समय का समय लगेगा, फिर आपकी ये वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो बन जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आ जाने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी ये वीडियो क्रिएट इस तरह से हो जाएगी। और दोस्तों जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो आपकी क्रिएट हो चुकी है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, किसी को शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप हमारे और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को दबाकर और प्रेस भी कर सकते हो।